असी पटवारी के मॉक्स बनाए से, पटवारी के मॉक्स के चार क्वेश्चन पेपर के एज इट इज़ पे से। सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल। फाइनली फिर जी यूनिटी रंग ले आई, ठीक है, ट्रिपल एस बी बोर्ड मान गया जी कि रिफंड देवांगे अगर थोड़ी जी ऑब्जेक्शन होगी, तुम रेज करोगे अगर तुम चैलेंज जितते हो तो बहुत वधिया गल है, ये अपनी जित है जी एक, है ना। तो सब इंस्टीट्यूट्स ने इकट्ठा होकर कलैक्टिवली एक काम किया एंड यूनिटी की हमेशा जित होंगी आई है, तो जित होंगी रहेगी, बहुत वधिया गल है। एंड सेम टाइम पर सब इंस्पैक्टर दी डेट्स भी अनाउंस हो चुकी ने, 17 तो लैके 24 अगस्त, जो कि टोटली अनएक्सपैक्टेड सी। लेकिन हूँ आपको पता है कि केसिज आ रहे हैं जी करोना के, लुधियाने भी पाए गए हैं स्कूल के, ठीक है, जवाकों पाए गए हैं, तो उसू देखते हुए सरकार चाहती है भी अगस्त के असं खिंच दिए कम, ठीक है, तो अगस्त करके रहेंगे जी। तो हूँ कुछ कह रहे हैं एक्साइज का भी अगस्त के हो जाएगा, इट इज़ वेरी अनसर्टन अनसर्टन ऑफ पंजाब सरकार एज ऑफ नाउ, पता नहीं जी की कर देगी, तो नो कमेंट्स, ठीक है। फिलहाल स्टूडेंट कह रहे थे एस आई के मॉक्स बारे दस दो, पढ़ लिया होगा जो भी फीस वगैरह असं चार्जेस दिते ने, ये ही 5 मॉक्स ने, पेपर 1 के भी 5 मॉक्स ने, पेपर 2 के भी 5 मॉक्स ने। जिमें जिमें उन्होंने सिलेबस मैनशन किया हो, पहला GS हो गया जी, फिर मैथ्स हो गया जी, फिर पंजाबी हो गया पहले पेपर के, दूजे पेपर के पहला रीजनिंग प्लस DI, उस तो बाद कंप्यूटर हो गया जी, उस तो बाद फिर थोड़ी इंग्लिश हो गई, ठीक है। एवें ही असी पेपर बनाए ने जी, एंड जिहड़ा टोटल सैट्स ने जी वो 5 सैट ने, मतलब 5 पहले जी, 5 दूसरे पेपर के, 400-400 नंबर के सेम टाइम पर, ठीक है, जिमें उन्होंने मार्किंग स्कीम दी है। तो न्यू टॉपिक्स जो एथिक्स हो गए या मीड मोड मीडियन हो गया, पंजाबी दे विच प्रेसी राइटिंग होगी, या फिर इंग्लिश दे विच प्रेसी राइटिंग होगी, ठीक है, प्रेसी दे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, या फिर पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू पंजाबी ट्रांसलेशन, सारा मॉक उमें ही बनाया जी एज इट इज़। एंड ये सूँ की कुछ मिलेगा, नैगेटिव मार्किंग होएगी। देखो एक चीज़ जरूरी होंगी है, ठीक है, आप बहुत तैयारी करके चले जाइए लेकिन आपको यह पता ना हो उत्थे जाके माहौल किवें है, तो अपनी जिहड़ी परफॉर्मेंस है वह घट जूगी, तो वह जरूरी होंगे। जिवें सपोज करो कि मैं एग्जाम्पल लवा, एक एथलीट है, एक रनर है, ठीक है, वह प्रैक्टिस कर रहा है जी, ठीक है, अपने पिंड अपने घर के अपने शहर के प्रैक्टिस कर रहा है, जिथे वह प्रैक्टिस कर रहा है उत्थे कच्चा है जी मैदान, ठीक है, तो उत्थे वह प्रैक्टिस करता, बहुत वधिया प्रैक्टिस करता है, लेकिन जिथे उन्हें फाइट करनी है उत्थे जाके उस सीमेंटेड है जी, जिहड़ा प्लेटफॉर्म हैगा, जिहड़ा ग्राउंड हैगा, कि सेम परफॉर्मेंस आ जाएगी, पॉसीबल नहीं है। तो सेम वे कि यह जिहड़े मॉक्स ने तुसीं किसी भी इंस्टीट्यूट तो लो, असीं नहीं कह रहे साडे तों, किसी कि तो भी लैते नहीं, कि तो भी लैन दी तुसीं सोच रहे हो या कि तो भी तुसीं कीते ने, तो इहनूं ऑनलाइन जरूर अटैम्प्ट करो, क्योंकि अपनी आदत नहीं होंगी आप ऑनलाइन पेपर नूं अटैम्प्ट करिए। हुण तक पटवारी भी आप ऑफलाइन लै ले सी चल गया, क्योंकि पटवारी पेपर ऑफलाइन सी, ठीक है। स्टूडेंट्स नूं PSTCL दा एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ लग्या, एक्चुअल दे विच हो सकता है कि टफ होवे, लेकिन वो आप स्क्रीन पर दे रहे सी तां वह भी हो सकता, वो फैक्टर भी हो सकता, तो यह भी स्क्रीन पर होगा। तो जिथे भी तुसीं मॉक्स दोगे तो ऑनलाइन दिओ, इसी वजह नाल साडे इह ऐप ते होणगे जी, तुहानूं PDFs भी मिलणगे, तुसीं PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो जिहड़ी तुसीं ईमेल नाल तुसीं बाय करोगे ना मॉक्स नूं, तो इत्थे ईमेल सही भरियो, तुहाडे ईमेल ते मॉक्स आणगे जी, ठीक है। तो मैथ दे जिहड़े ने डिटेल्ड सोल्यूशनस ने जी, तो तुसीं देख लिया होएगा, रैंक वगैरह चैक कर सकते हो, एनालिसिस होएगा, रिजल्ट आएगा। जिहड़े मॉक्स की फीस है जी 800 रुपया, लेकिन तुसीं कोड यूज़ करोगे, किहड़ा कोड यूज़ करोगे, सुपर मॉक्स, इहदे नाल तुहानूं जिहड़ी फीस रह जाएगी, कि फीस रह गई जी 449, ठीक है जी। यह तुसीं देखो कदों तो स्टार्ट होंगे, 12 तो कल तो स्टार्ट होंगे, डेली एक मॉक आया करूगा, एवं नहीं है भी तुहानूं पहले दिन सारे दे देंगे, ध्यान रखियो। 12 नूं पहला होगा जी, फिर 13 नूं, फिर 14 नूं, फिर 15 नूं, फिर 16 नूं, फिर 17 नूं, सॉरी 16 नूं, यह 5 मॉक्स आएंगे जी, ठीक है। तो एक दिन के 2 मॉक्स होंगे, कि पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है जी। असी जिमें एक पर्टिकुलर टाइम पर पाते, हूँ तुम जो मर्जी करो, तुम 13 भी कर सकते हो, तुम 14 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो, 16 भी, एक बार साढ़े वालों पै गया, तुम बाद जो मर्जी करो जी अपने वालों, ठीक है, साढ़े वालों पै गया जी, साढ़े वालों इस तारीख में अपलोड होगा, पहला मॉक 12, दूजा मॉक 13, 14, फिर 14, फिर 15 एंड 16, ठीक है जी, समझ आ गया। इस तो अलावा थोड़ी कोई होर क्वेरी है, तुम कुछ पूछना चाहते हो मॉक्स द्वारा, ठीक है। हुण मैं तुहानूं अगर मॉक्स की क्वालिटी की गल करा, कंटेंट क्वालिटी की गल करा, असी पटवारी के मॉक्स बनाए से, पटवारी के मॉक्स के 4 क्वेश्चन पेपर के एज इट इज़ पे से। करंट का सप्लीमेंट बनाया, करंट के सप्लीमेंट के जिहड़े 20 पेजेस का, स्टूडेंट कहिंदे सर पेजेस बहुत घट ने, 6 महीने में 20 पेजेस किवें कंपाइल करता, असी क्या भी इट इज़ नॉट अबाउट द क्वानिटी, तुहानूं असी 200 पेज दे देंगे, 200 पेज पढ़ लोगे, हूँ नहीं पढ़ सकते, असी तुहानूं जो सब तो इंपोर्टेंट है वो कढ के दिता, निचोड़ कढ के दिता, वो 20 पेजेस के हर पेपर के एक का क्वेश्चन पै ही रहा जी,
ठीक चाहे फॉरेस्टर है चाहे फॉरेस्ट गार्ड है लीगल कलर का लाइब्रेरी एक अद्धा क्वेश्चन कितने हूँ यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम होया सी उहदे विच भी पहला क्वेश्चन पिया सी करंट अफेयर का ठीक है तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जो कि सानू दे रहे हैं ठीक है तो कंटेंट वाइज तुसीं अगर जुड़े हो तुहानू पता होएगा तो एक बार तुसीं जरूर इन्हां नू अटैम्प्ट करके जाना ठीक है तुहानू एग्जाम दे लई हेल्पफुल रहणगे जी इस वीडियो विच इन्ना ही सीगा कुछ होर पुछना चाहुंदे हो तुसीं कमेंट करके पुछ सकदे हो दिस इज विजेंद्र साइनिंग ऑफ बाय ऑल द बेस्ट